व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। बामकसद यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम होने वाली पहली कायदे आज़म इंटर डिवीजन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का अहवाल बताएंगे। ये चैम्पियनशिप जनवरी 6 से 8 तक निस्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर खेली गई, जिसमें पंजाब की 9 डिवीजन के 576 मर्द व ख्वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस चैम्पियनशिप में 5 गेमों का इनेकाद किया गया, जिनमें एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, साइकिलिंग और टेनिस शामिल हैं। चैम्पियनशिप का इफ्तिताह 6 जनवरी को एक बड़ी शानदार ओपनिंग सेरेमनी में किया गया, जिसमें पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर राय तमूर खान भट्टी, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख और सेक्रेटरी फवाद हाशम रब्बानी के अलावा सैकड़ों खिलाड़ियों ने और ऑफिशल्स ने शिरकत की। रफीक साहब, दोस्तों इस आपको बताते चलें कि जो एथलेटिक्स और आर्चरी के मुकाबले थे वो पंजाब स्टेडियम के में मुनक्कद किए गए, जबकि बैडमिंटन के मुकाबले जिमनेजियम हॉल में, साइकिलिंग के मुकाबले साइकिलिंग वेलोड्रोम में और टेनिस के मुकाबले स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम में मुनक्कद किए गए। व्यूअर्स, जैसा कि आपको आपके इलम में है कि तीरंदाजी के खेल में बिनाई को बुनियादी अहमियत हासिल है, और अगर खिलाड़ी की नज़र कमज़ोर हो तो वह इसमें खातर ख़्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, और कायदे आज़म इंटर डिवीजन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप के मुकाबलों में ब्लाइंड और पैरा आर्चर्स ने अपनी शानदार कारकर्दगी से स्पोर्ट्स के शायकीन को अपना गर्विदा बना लिया। ब्लाइंड के मुकाबलों में रावलपिंडी के खिलाड़ियों ने
शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और टॉप की तीन पोजीशन हासिल की। पहली पोजीशन फैज़ान खटक ने हासिल की जिन्होंने 487 पॉइंट्स हासिल किए। दूसरे नंबर पर तनवीर अहमद थे जिनके पॉइंट्स की तादाद 441 थी, जबकि वलीद अजीज़ 434 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर ठहरे। पैरा आर्चर के मुकाबलों में कासम ताहर ने 323 पॉइंट्स के साथ फतह हासिल की। अब्दुल गफूर ने 248 पॉइंट और फैसल नवाज ने 158 पॉइंट स्कोर किए। इन तीनों का तल्लक फैसलाबाद से था। व्यूअर्स, तीन रोज़ा चैम्पियनशिप में तमाम डिवीजन्स के माबैन बहुत कांटेदार और शानदार मुकाबले देखने को मिले। चैम्पियनशिप के आखिरी रोज़ फैसलाबाद को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जीतने पर फातह करार दिया। दूसरी और तीसरी पोजीशन बिलतरतीब लाहौर डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन्स के हिस्से में आई। चैम्पियनशिप के अख्ताम पर एक शानदार क्लोजिंग सेरेमनी का अहतमाम किया गया जिसमें खिताब करते हुए पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर राय तैमूर खान भट्टी ने मार्च के आखिर और अप्रैल के अवाइल में 73वीं पंजाब गेम्स मुनक्कद कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 8 साल के बाद 2019 में पंजाब गेम्स का इजरा किया था और जो मार्च और अप्रैल में होने वाली पंजाब गेम्स हैं वो तारीखी अहमियत की हामिल होंगी। अप्रैल पंजाब गेम्स के बारे जा रहे हैं।
तो पंजाब के मरे जाना है। और उसके साथ साथ जो हमारा डिवीजन लीड करेगा पंजाब गेम्स में, उसको बाकी ट्रॉफीज और इनाम के अलावा 1,000,000 रुपया जो है वो अलग से इनाम मिलेगा। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम जो अपने स्पोर्ट्स हैं इसको प्रमोट करें और अपनी सोसाइटी में जो स्पोर्ट डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख ने अपने खिताब में बताया कि जनवरी के आखिर में इंटर डिवीजन हॉकी टूर्नामेंट का इनकाद किया जाएगा जिसमें पंजाब भर की तमाम डिवीजन्स की टीमें इसमें शिरकत करेंगी और ये जो टूर्नामेंट है ये हॉकी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। चैंपियनशिप के आखिरी रोज़ तकरीब तकसीम इनामात में पंजाब स्पोर्ट्स मिनिस्टर राय तमूर खान भट्टी, डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी ने फातह खिलाड़ियों में इनामात और मेडल्स तकसीम किए।
Oh,
एसएलपी जी पहना है।